Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू में सीख रहे हैं। Dear students, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी assignments के ऊपर काम करते और करते आ रहे हैं अभी तक। तो आज के lesson में आपको एक नई assignments देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं, तो फिर next वाली videos के अंदर मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा कि अगर हम उसको बनाते तो हम उसको कैसे बनाएंगे। आई स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ आपका प्रोजेक्ट। आज आपने, ये आपके सामने एक शेप दिखाई दे रही है, इसको बनाना है। असाइनमेंट्स 5 के नाम से मेरे पास ये फाइल सेव है। देखें इसके अंदर जो जो चीजें हैं आपके सामने हैं यहाँ पे। अब आपने करना क्या है, इसको हमेशा की तरह बखूबी पहले समझना है, सोचना है, प्लान बनाना है, फिर इसके ऊपर काम करना है। ऐसा ना हो बस आपने देखा और नेक्स्ट वीडियो उठा ली। नेक्स्ट वीडियो उठाने से ठीक है, आप देख तो लेंगे वहां पे कैसे बनाया जा रहा है, लेकिन आपको खुद काम करना नहीं आएगा। अगर आपने खुद काम करना है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको आपको सोच समझ के खुद बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको आप अभी अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे बिल्कुल देखें, एक डाउनलोड की ऑप्शन मौजूद होगी, डाउनलोड एक्सरसाइज फाइल के नाम से। उसके ऊपर आप क्लिक कर डालें तो आपके पास ये आपकी फाइल आपके सिस्टम में उसी वक्त आ जाएगी और फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जो बजरी ITCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह भी मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको हमारे इस कोर्स की DVD चाहिए तो आप हमें कॉल या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमारी हेल्पलाइन पर किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं 03439017779 पर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए आपसे इजाजत चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।